होते हैं। यूनियनों के पास कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं रही, अगर रही है तो मुझे बता दें आप। नंबर दो बात यह है कि पाकिस्तान का आइन सिर्फ सीबीए को इजाजत देता है बार्गेनिंग की, वो तनख्वाह पे बात कर सकते हैं। इस मैनेजमेंट ने और आज की भी मैनेजमेंट ने, अब तो जाके उसे सर्विस एक्ट लगा है, इन्होंने यानी के एसोसिएशन को इजाजत दी उनसे बार्गेनिंग करते रहे। क्यों करते रहे भाई, पाकिस्तान का आइन तो इजाजत नहीं देता उनको। आपने कैसे किया, मतलब करते खुद हैं, डाल देंगे यूनियन पे। यूनियन जो है, यूनियन का तो उल्टा टांगा हुआ हर द्वार में, लेकिन होता ही है। मैं आपको आपको खास तौर से कह रहा हूं वजीर साहब को, कि जब मैनेजमेंट गड़बड़ करती, मैंने इस मैनेजमेंट को बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन उससे चुप कर जाते हैं। वो सारा यूनियन पे अच्छा, अगर यूनियन इतनी बुरी है तो इंसाफ यूनियन क्यों बनाई हुई है वहां पर, इसका मुझे जवाब देना भाई। अगर यूनियन ठीक नहीं है तो तहरीक इंसाफ की यूनियन नहीं होनी चाहिए वहां पे, उनसे तो ये मिलता है। मैं इस बात के हक ना हूं, बननी चाहिए यूनियन, क्योंकि आपका आईन उसकी इजाजत देता है, एसोसिएशन को बनाने की भी इजाजत देता है, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग की इजाजत नहीं देता। इन्होंने बार्गेनिंग करके एग्रीमेंट्स किए हुए, अच्छा वो डालते हैं यूनियन में, भाई छह एसोसिएशन है उनसे एग्रीमेंट आपने किए हुए हैं, डाल दिया आपने सारा यूनियन पे, और एक एक आदमी 35-35 करोड़ रुपए खा के भागा हुआ। इस मौजूदा को भी पता, मैंने बताया, नहीं करते एक्शन उसके खिलाफ, अपना आदमी है। इस हकूमत का मैं पायलट की बात आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उसका सगा भाई, उसका जाली सर्टिफिकेट था, आपके नोटिस में होगा, उसका लिस्ट में नाम भी है। उस वो जाके मिला है कि अहम तरीन शख्स है, उसने नहीं इसको निकलने दिया, और अभी भी जो लिस्ट में नाम है, अगर लिस्ट निकाल के देखें, उसे स्याही से ऐसी लगाई है उसका नाम नहीं पढ़ सकते जब तक उसको जूम ना कर लें आप। इस तरह की वारदातें हो रही हैं आपको। मैं इसको समझता हूँ ना, मैं थोड़ा सा इसे समझा दूं, मसाइल हल करने में मतलब इनका जी जहाज चला गया, ले गया जहाज, मैं जो चीज हुई है, लेकिन इन्हें फर्दर नहीं बताया गया कि वो जहाज ग्राउंड हो चुका था, उस जो जहाज को बेच दिया गया था, उस जहाज में एक शूटिंग हुई थी, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ जरूर हुई है, लेकिन उसकी एफआईए इंक्वायरी कर रही है। एफआईए इंक्वायरी कर रही है ना, तो उस एफआईए को बोले ना, पकड़ ले लोगों को, मतलब पॉइंट स्कोर करने का कोई फायदा नहीं है ना, आपको उसका हासिल वसूली कुछ नहीं है। एक ग्राउंडेड जहाज था वो चला गया, अगर गलत तरीके से गया तो जो गलत तरीका अख्तियार किया गया उसको आप पकड़ लें। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी इस हकूमत ने भी तो लोगों को निकाला है ना पीआईए से, उस पर स्टैंडिंग कमेटी में भी बड़ी बात हुई, उस पर यूनैनिमस स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ लिख के भेजा, उसमें कहीं हमने ये नहीं कहा कि जी जाली सर्टिफिकेट वालों को रख लें, उसको एक्सप्लॉइट करते फिरते हैं। उसमें पीटीआई भी मौजूद थी जो रिकमेंडेशन गई, और जिसने रिकमेंडेशन दी वो भी उसमें बात करते फिरते हैं। अच्छा उसमें ये था कि भाई आप, ये वजीर साहब एक दिन बैठे हुए थे, कि आप यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, जो निकले हैं जरूर निकालें, लेकिन अगर वैसे ही कुछ पीआईए में, मैंने नाम बताया उनकी लिस्ट बताइए, नहीं निकाला उन्हें करोनी से, मैं ये कह रहा हूं। और फिर मैंने ये कहा कि आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन करें जिनके बारे में ये कह रहे हैं सस्पेंड कर, सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती, सस्पेंशन बहुत होती रही है। मैंने उस वक्त भी कहा, आपके सामने भी कहा, स्टैंडिंग कमेटी में भी कहा, कि जिन अफसरों ने उनकी डिग्रियां चेक की थी उनके खिलाफ कोई, अच्छा वो अगर गड़बड़ होती है पैसे लेके होती है, ठीक कह रहे हैं, मेरे भी इल्म में, अच्छा वो पैसे भी ले लिए हैं, उसके बाद भी लोग आए उनके साथ से भी पैसे लेते रहे, उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं। यही हाल सिविल एविएशन का पायलट को लेसन दिया ना उन्होंने, मेरे भी नोटिस में है बहुत सारी चीजें, लेकिन भाई आपने उठा के पायलटों को तो ठीक है कर दिया, किस कमेटी ने, किस कमीशन ने फैसला किया है, जिन्होंने लेसन दिया उन्होंने क्या दिया, मुझे इसको वेरीफाई तो करें ना, कहीं से वेट तो करें ना, जिसके जो जी अच्छा है बयान दे रहा है,
सक्ती साहब कुछ बयान दे रहे हैं, वजीर साहब कुछ बयान, मैंने पहले भी कहा और ये अखबारों में छप चुका है, ये एक दूसरे से को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। फिर मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था कुछ साल पहले पाकिस्तान में जाली डिग्रियों का, एग्जैक्ट कंपनी ने किया था, ठीक है, पूरी दुनिया को उन्होंने जाली डिग्रियां तकसीम कर दी, जिस पर बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू अंग्रेजों के, अरबियों के, पता नहीं किस किस के आए, या हमने अपने टीवी पे सुने, आपने भी सुने होंगे। मुझे जरा एक बात बताएं, मैं मिनिस्टर साहब से भी पूछना चाहता हूं और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, कि इतना बड़ा स्कैम, हजारों लोगों को जाली डिग्रियां दे दी गई, उन्होंने इंटरव्यू दिए, दुनिया के किसी मुल्क के वजीर या वजीर आजम ने ये नहीं कहा जो इन्होंने कहा। अच्छा, जो इन्होंने कहा अगले दिन वजीर आजम ने कहा ये ठीक कह रहे हैं, सेक्टरी आपका कुछ कह रहा है, सिविल एविएशन कुछ कह रही है, PIA कुछ कह रही है, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि पॉइंट स्कोरिंग है, अब बस कर दो फटाफट, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, बयान दे दो, ये दे दो और घर जाके सो जाओ। होना ये चाहिए था, अगर ये कोई बात भी थी तो भाई पहले लोगों को इकट्ठा करते, बातों को समझते, फिर उसमें ये देखते कि मुल्क का फायदा किस में है किस में नहीं है। अब सिर्फ यूरोप में 33 अरब का रेवेन्यू लॉस है जनाबे चेयरमैन, बर्तानिया का मुझे नहीं पता, वो उससे भी ज़्यादा होगा, अमेरिका का उससे कम होगा, बाकी और बहुत सारी एयरलाइनों में आप जा भी नहीं रहे, कोविड है वो एक अलग से सिलसिला है। तो अगर इस बात को गौर कर लिया जाता और PIA ने जो कंप्लाइंस नहीं किया, जिसकी बात रज़ा रब्बानी साहब ने की एयर सेफ्टी पे, उसको पहले एड्रेस किया जाता तो इन्हें तो ख्वार होने की जरूरत नहीं थी ना, ये तो ख्वार हो रहे हैं फिर इस चक्कर में कि जी वाहवा हो जाए, कि वाहवा नहीं हुई ना आपकी, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया एयरलाइन। अब ये मुझे जरा खड़ी करके दिखाइएगा जो कुछ एयरलाइन के साथ कर दिया है। आप एक जहाज को रोते हैं, आपने पूरे जहाज को, अभी आप कह रहे हैं कि 50% लोगों को निकालेंगे, भाई क्यों, आप निकालने में कितने तेज हैं? वो ये देखना, अफसरों के खिलाफ एक्शन नहीं किया, सिविल एविएशन सस्पेंड। अच्छा, उससे पहले जो छोटे मुलाजमीन थे ना, उनको 24 घंटे लगाए इन्होंने 600 लोगों को निकालने में, उनको निकालते हैं, जो बड़े अफसर हैं जो असल में कल्पेट हैं उनके खिलाफ सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन क्या होती है, लोडर को निकाल दिया, छोटे एम्प्लॉय को निकाल दिया, जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि आप 8 सजाएं दे सकते हैं, आप 8वीं ना दें, 7 में से कोई दे दे, यही कहा था ना मैंने, वो नहीं दी, निकाल दिया सबको, साकिब निसार करके गया था, हालांकि उसने भी, वो तो इनका वर्कर था PTI का, अभी भी है, बड़ा माल भी बनाया उसने, सारा कुछ किया, डैम फंड खा गया ये वो, ठीक है, उसने भी अपने फैसले में ये लिखा था कि इस पर रिव्यू हो सकता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकती है, यानी कि PIA ने नहीं किया रिव्यू, मतलब अभी तक उन्होंने नहीं किया। अभी देखे, मैंने आज बात की मिनिस्टर साहब से, देखे हो क्या रहा है, असल बात नहीं करते, वहां बच्चे फंसे हुए हैं चाइना में, 50,000 का टिकट था 1.5 लाख का कर दिया, इन बातों पर कोई बात नहीं करता, सारा यूनियन पर डाल देते हैं जिनका कोई तुक ही नहीं है, ये आज से नहीं हो रहा, ये 70 की दहाई से अरबों रुपए के गलत फैसले करते हैं, लोग माल खा के भाग जाते हैं, 35-35, 50-50 करोड़, और ये यूनियन जी ड्यूटियां लगाती, यूनियन कहां से ड्यूटी लगाती है, और अगर ड्यूटी लगाती है तो ड्यूटी लगाना कोई मतलब के मैनेजमेंट का तो फैसला नहीं है ना, उस तरह से यूनियन को तो इजाजत भी है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है, आप जो ये कर रहे हैं। तो मैंने इन्हें कहा कि भाई आप पिछली स्टैंडिंग कमेटी में, उसने यूनानिमस डिसीजन हुआ कि वो बच्चे जो हैं स्टूडेंट हैं, उनकी छुट्टियां हो चुकी हैं, छुट्टियां खत्म हो रही हैं, कि उन्हें पुराने उस पे रेट पे उनको, स्टूडेंट को तो कम से कम बिजनेस फैन होगा ना करें, उनको तो आने दें, अभी तक नहीं लेके आए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता किया, मेरे पास स्लिप आई है कि नहीं हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर वो यहां तक कह रहे हैं कि खुंजराब का रास्ता खोल दें, हम बस में आ जाएंगे, हमें और सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन जो मसाइल है ना, वो पता क्यों हल नहीं होते, जब आप पॉइंट स्कोरिंग में होते हैं ना, हर चीज पिछली हुकूमत में डाल दो, कोई सुनता ही नहीं आपकी बात, आपको पता ही नहीं है पब्लिक में आपके हालात क्या चल रहे हैं, आप पब्लिक में जाके बात नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूँ, इस चक्कर में ना पड़े, डिलीवर करें, कोई काम करके दिखाएं,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के या टिकर चला के या स्टेटमेंट दे के कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की तबाही हुई है, पाकिस्तान का वकार मजरूह हुआ है इस सीए ये कप्तानों के चक्कर में, यह अमली बात है। अब पीआईए को इतना कुछ शदीद नुकसान पहुंचा है कि जब से पीआईए बनी है उसका अशरा अशीर भी कभी नुकसान नहीं हुआ जो इन दिनों में हो गया। तो मैं फिर भी कहता हूं यार, सर जोड़ के बैठो, आप पॉइंट स्कोरिंग को एक तरफ रखें। आपकी हुकूमत ने वैसे कोई काम नहीं किया, पब्लिक आपसे वैसे नाराज है, कहीं तो राजी करें यार। मगर इसको फखर करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, ओके मिनिस्टर, थैंक यू। पहले हुक्म कर दे मिनिस्टर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे या? जनाब चेयरमैन, जरूरी नहीं इनकी सब बातों का जवाब देना।